हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपके चैनल टेक्निकल सोमनाथ पर। तो वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेटीएम पोस्ट पेड को लेकर। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और आप अगर फर्स्ट टाइम के लिए चैनल पर आए हो तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी मिल सके। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये टेक्निकल सोमनाथ फैमिली मेंबर अभी 650 के करीब हो चुका है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों के कि आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ पेटीएम पोस्टपेड सबसे पहले होता क्या है और कैसे आपको उसको अप्लाई करना है। और अगर आप अप्लाई कर लिया, अगर आप पैसा पेटीएम को वापस नहीं दिया तो क्या होगा। और मान लो अगर आपने पेटीएम पोस्टपेड अप्लाई किया, आपको मिल गया, लेकिन उसमें आपको लिमिट दिखा रहा है 200-300 रुपये, तो उसको कैसे आपको इंक्रीज करने। और अगर आप लेट करते हो तो कितना पैसा चार्ज लगेगा, यानी सारा इन्फॉर्मेशन पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो का बिल्कुल मिस मत कीजिए, पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करोगे तो गाइस जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन आप सर से छूटने वाला है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पेटीएम केवाईसी होता क्या। गाइस पेटीएम केवाईसी पेटीएम का एक नया फीचर है जहाँ पर आप और पेटीएम का जो रिश्ता है और भी आपको गेट टुगेदर और भी अच्छा होगा। क्योंकि आप समझ सकते हो कि पेटीएम जैसा कंपनी पोस्टपेड दे रहा है, पोस्टपेड का मतलब होता है कि पहले आप यूज़ कर लो, बाद में उसका बिल पेमेंट करो। तो पेटीएम ने कॉन्सेप्ट एक लॉन्च कर दिया कई महीने, एक महीना पहले। तो वहाँ पर साफ साफ उन्होंने बताया एक कैलेंडर मंथ पे आप जितना ट्रांजेक्शन करोगे, यानी मान लीजिए आपको 500 रुपये का ट्रांजेक्शन करने के लिए मिल गया, तो और आपने 500 रुपये का रिचार्ज कर लिया, तो उस 500 रुपये का आपको वापस देने के लिए अगला महीना, अगर मैं बात करूँ जनवरी महीने का, तो जनवरी महीने का 30 तारीख तक या 31 तक अगर आप यूज़ करोगे, तो फरवरी महीने का 7 तारीख तक ये पिछला महीने का पैसा आपको देना पड़ेगा। यानी मान लीजिए 500 आपका लिमिट है और आपको आपने पूरा अवेल कर लिया, तो 500 रुपये आपको फरवरी महीने के 7 तारीख के अंदर अगर आप पेटीएम को वापस दे देते हो तो गाइस आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लीजिए अभी आपका जियो का रिचार्ज खत्म हो गया, आपने रिचार्ज कर लिया, अगला महीना अगर कोई आपका सैलरी हुआ या फिर पेटीएम यूपीआई करके आपने पेटीएम को वापस दे दिया, तो क्या आपको टाइमली रिचार्ज भी मिल जा रहा है, सर्विस भी मिल रहा है, पैसा बाद में दे रहा हो। ये होगा गाइस फर्स्ट सिनेरियो। अगर सेकंड सिनेरियो आते हैं, मान लीजिए अभी आपको 1000 रुपये पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट मिला, आपने 500 यूज कर लिया जनवरी महीने में 31 के अंदर, और जैसी फरवरी महीने को आया तो आपने वहां पर 100 रुपये यूज कर लिया। अभी मन में अगर डाउट आपका हो सकते कि 7 तारीख के अंदर जो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा वो कितना, 600 या 500, भाई सबसे पहले एक चीज आपको दिमाग के अंदर आपको बैठाना चाहिए कि मैं बता देता आपको, 500 रुपये जो आपने जनवरी में यूज किया वो आपको फरवरी के 7 तारीख तक देना पड़ेगा, और फरवरी के फर्स्ट यानी 1 तारीख को आपने जो आपको 100 रुपीज आपने यूज किया वो अगले महीने यानी मार्च का 7 तारीख तक, यानी एक कैलेंडर महीने में जितना सारा आप पैसा यूज करोगे अगला महीने का 7 तारीख के अंदर वो पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देगो, अगर आप नहीं देंगे तो गाइज वहां पर आपको चार्ज लग जाएगा। चार्ज का चार्ट मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चिपका दिया है, आप प्लीज जाओ वहां पर देख लो, यानी अगर आप लेट करते हो तो कितना दिन के लिए कितना पैसा लगेगा, ठीक है। और गाइज एक चीज मैं बता देता हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी पेटीएम पोस्ट पेड अवेल करने के लिए। गाइस मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली आपका अकाउंट मिनी केवाईसी या फिर फुल केवाईसी दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए। यानी अगर आपके पास नया अकाउंट है तो आप लिख के ले लीजिए, आपको 90% केसेस में, 99% केसेस में आपको पेटीएम पोस्ट पेड का कोई भी फीचर्स नहीं मिलेगा। अगर फुल केवाईसी है फिर भी 80% लोगों को मिल रहा है, 20% लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पेटीएम का सर्वर डिसाइड करते हैं किसको कितना दिया जाएगा और किसको ये फीचर्स आपको पेटीएम देगा। तो गाइस अभी बात आता है, आपका मान लो मिनी केवाईसी अकाउंट है, वहां पर लिमिट मिला आपको 100 रुपये, तो उसको अभी इंक्रीज कैसे करोगे, एक एक करके मैं टॉपिक कवर करूँ। तो इंक्रीज करने के लिए गाइस कोई नहीं, मान लो आपको 100 रुपये लिमिट दिया है, उस 100 रुपये आपको ट्रांजेक्शन करनी, यानी मान लो इस महीने 100 रुपये आपने यूज किया, पेमेंट कर दिया, तो अगले महीने जैसे ही गाइस 7 तारीख आएगा, यानी जो बिलिंग डेट जो क्रॉस होगा या उससे पहले आपका जो लिमिट है वहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप पोस्टपेड पे क्लिक करोगे आपको शो हो जाएगा कि आपका लिमिट अभी इस महीने 500 होने वाला। आप अवेल करना चाहते हो कि नहीं, अगर आप चाहते हो तो इंक्रीज जो है लिमिट इंक्रीज करना है तो आप कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं ये लिमिट इंक्रीज नहीं करूंगा, मैंने 100 ही रखना है, तो आप 100 भी रख सकते हो। पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन का इसमें बता देता हूँ, पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद पेमेंट सेटिंग ऊपर में 3 डॉट्स में जाओ, पेमेंट सेटिंग पर जाओ, पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन है, तो आपने अगर अभी तक अवेल नहीं किया तो आप मैंने जो ऑप्शन बताया वहां पर जाओ फॉलो करो। और जो पेटीएम फुल केवाईसी अकाउंट है उस अकाउंट पे गाइस ज्यादा चांसेस आपको ज्यादा पैसा मिलने का। मेरा 3 अकाउंट है, फर्स्ट अकाउंट पे मेरा 3000 का मिला है, सेकंड अकाउंट पे मेरा 2500 का मिला, और लास्ट वाला अकाउंट पे मेरा 1250 का मिला। 4 अकाउंट में से 3-4 फुल केवाईसी अकाउंट है, 3 फुल केवाईसी अकाउंट पे ये गाइस उन्होंने लिमिट अभी तक दिया। मैं यूज करता हूँ और टाइमली पे भी कर देता हूँ। पहला पहला मेरा तो 500 का लिमिट ओपन हुआ था, उसके बाद
आपका जो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। और गाइस वीडियो के बीच में एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो अभी अगला हफ्ता संडे कमेंट बॉक्स आएगा, तो आप लोग चैनल से रिलेटेड या कोई चीज अगर पूछना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर कमेंट बॉक्स में आपको पिक करके आंसर, क्वेश्चन पिक करके आंसर दे दूंगा, ठीक है। और गाइस लास्ट वाला जो सिनेरियो आते हैं, आपने पैसा तो ले लिया लेकिन आप वापस नहीं देना चाहते पेटीएम को पैसा, तो उस केसेस में गाइस क्या होगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपका फुल केवाईसी अकाउंट है तो ये काम करने का आप सोचे मत, ठीक है, क्योंकि ये पैसा लेने के बाद आप वापस ना देने का फैसला बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि गाइस मैं बता देता हूँ, अगर आप फुल केवाईसी कर लिया तो यानी आपका सारा डिटेल सारा डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के पास है, कोई भी एक्शन ले सकते हैं पेटीएम आपके अगेंस्ट 500 रुपए के लिए, ऑनलाइन FIR भी कर सकते हैं, आपके घर में पुलिस भी आ सकती है। और अगर आपका मिनी केवाईसी अकाउंट है या आपने फेक मिनी केवाईसी किया, उसमें आपको 500 रुपए 1000 रुपए आपने अवेल कर लिया, अगर उस केस में अगर आप पेटीएम को पैसा नहीं भी देते हो तो अगर छोटा अमाउंट होगा तो पेटीएम उतने इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि आप भी खुद देखे होंगे अगर 25-30 रुपए के अंदर कोई हेडफोन ले लिया उसके बाद आपने रिटर्न मार दिया तो आपका 25 रुपए आपको वॉलेट में आ जाता है, लेकिन सामान पिक करने के लिए कोई भी पेटीएम का बंदा नहीं आता है, क्योंकि उन जो प्रोडक्ट आपको मिला है उसका कैरिंग कॉस्ट भी एक टाइम पे लगता है, तो पेटीएम को लगता है नहीं भाई 20 रुपए हम वैसे ही दे देते, प्रोडक्ट भी उन लोगों के पास रखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज अगर आपके पास मिनी केवाईसी है तो आप ये काम कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज इतना सारा चीज पेटीएम आपको दे रहे हैं, पहले आप शॉपिंग भी कर सकते हो, शॉपिंग का जो कैशबैक मिलेगा उस कैशबैक को भी आप पेटीएम को वापस दे सकते हो, तो ये जो फीचर से काफी बढ़िया गाइज, इसको सही इस्तेमाल करो, सही से आप रखो अपने पास, तो और भी आगे आने वाले दिन में पेटीएम अच्छा अच्छा जो है फीचर्स से हम लोगों के लिए लाएगा, ठीक है। वैसे मुझे उम्मीद है ये जो पेटीएम पोस्टपेड को रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन आपका मन में था सबका आंसर हो सके आपको मिल गया, जो जो मैंने बताया इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपका मन के अंदर है तो प्लीज आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, मैं अगला वीडियो में पिक कर लूंगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस वीडियो इतना ही तक का था, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।